हेलो क्लास इलेवेंथ, आज हम लोग क्लास इलेवेंथ में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले द लिविंग वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि लिविंग क्या होता है और नॉन लिविंग क्या होता है। लिविंग में क्या क्या ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो लिविंग कहलाते हैं, और कैसे लिविंग कहलाते हैं, और कौन से ऐसे बहुत से ऑर्गेनिजम्स होते होंगे जो नॉन लिविंग होते हैं, और वो क्यों नॉन लिविंग कहलाते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लिविंग के ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे ही, लिविंग थिंग्स के बेसिस पे ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में। तो सब इसमें टैक्सोनॉमी में देखेंगे कि टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं और टैक्सोनॉमी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सिस्टमैटिक्स के बारे में, सिस्टमैटिक्स क्या होता है। और उसके बाद हम लोग सिस्टमैटिक के बाद बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। सिस्टमैटिक्स, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, और उसके बाद हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, सिस्टमैटिक्स, इन तीनों को हम लोग टैक्सोनॉमी के अंदर ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि क्या होता है लिविंग, व्हाट इज लिविंग। यहाँ पे कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो लिविंग होते होंगे, या लिविंग किसको बोलते हैं, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लिविंग होते हैं उनके पास सेल्स होता है। हम लोग क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज़ अ सेल। तो सेल क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। और ये इसमें क्या होता है, ये सेल होता है। ये मान लीजिए इस तरीके से होता है, इसको हम लोग कहते हैं एक सेल कहते हैं। अब सेल में होता क्या क्या होगा, इसमें होता है साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे क्या होता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म है, अगर साइटोप्लाज्म को, ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म को रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो ये इस तरीके से साइटोप्लाज्म चारों तरफ रहता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है। तो इन न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिला करके क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होता है, और यही प्रोटोप्लाज्म लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स को बनाता है। देन सेकंड चीज़ इसमें क्या आती है, सेकंड इसमें होता क्या है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी का ये मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी होती है उसमें दो प्रोसेस होते होंगे, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। इन दोनों को मिला करके क्या बनता है, आपका मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। अब इसमें आपके जो कैटाबॉलिज्म का ये मतलब होता है कि ब्रेकडाउन, जो आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो उनका ब्रेकडाउन, बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं उसको कैटाबॉलिज्म, और छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होकर के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, उसको हम लोग एनाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। देन हमको मेटाबॉलिक रिएक्शन होने के लिए यहाँ पे लिविंग थिंग्स में क्या होता है कि जब मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा तो हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी।
एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम हमारे बॉडी को या हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड होती है, और वो कब होती है जब मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। इसी के थ्रू हमारे क्या होता है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज जब बर्न होता है तो एनर्जी फॉर्म होता है। जब हम लोग देखते हैं कि रेस्पिरेशन करते हैं और क्या होता है कि हम लोगों के बॉडी में जो फूड मटेरियल का डाइजेशन होता है, ये सारी चीज़ें आपके लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हमको फॉर्म होती हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसमें रिप्रोडक्शंस होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन अगर नहीं होता है, नहीं होगा तो वो ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ आगे सर्वाइव नहीं करवा पाएगा। इसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो उसको जेनेटिक मटेरियल को क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे उसके जो स्पीसीज होती है वो क्या होती है, हमेशा लगातार इसमें उनके ऑफस्प्रिंग बनते जाते हैं। एक ही जाति के, एक ही जीनस के बहुत सारे स्पीसीज बनते जाते हैं विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शंस। देन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि इनमें कॉन्सियसनेस होता है, कॉन्सियसनेस होता है इसमें, यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि ये रिस्पॉन्स देते हैं, यानी कि जैसे हम किसी को क्या कर दें, थप्पड़ अगर मार देते हैं तो वो समझता है कि हमको थप्पड़ मार दिया गया है, यानी कि किसी भी चीज़ को हमें रिस्पॉन्स हमारी बॉडी को मिलता है। जैसे हमें इंजेक्शन लगाया जाता है तो हमको पता चल जाता है कि हमें इंजेक्शन लगाया जा रहा है। इसके बाद जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो एडाप्टेशन शो करते हैं, देन लास्ट होता है जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी इनमें रुक जाती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस रुक जाते हैं, तो उस लिविंग सेल्स की डेथ हो जाती है। एक एक्सेप्शन आता है जिसमें क्या होता है कि डेथ नहीं होता है, वो आपके कौन हैं, बैक्टीरिया है और अमीबा है। अमीबा में क्या होता है कि एक मान लीजिए ये अमीबा है, इसमें ब्रेकडाउन होता है तो इसमें फ्यूजन के थ्रू ये दो अमीबा में ही कन्वर्ट हो जाता है और ये क्या हो जाता है, ये बाद में रिमूव हो जाता है। तो जो फ्यूजन जिसमें होता है वो हम लोग उसको बहुत सारे बुक में पढ़ते हैं कि वो क्या होते हैं, इमॉर्टल होते हैं। तो जिसमें फ्यूजन होता है उनको उनकी डेथ नहीं होती है, और जिसमें फ्यूजन नहीं होता, जैसे जो लिविंग एनिमल में ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन वगैरह जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डेथ जो है होती है, यानी कि उसमें फ्यूजन नहीं होता है, वो मॉर्टल होते हैं। रॉबर्ट मे ने बताया था कि जो हमारे इस अर्थ पे अबाउट 7 मिलियन एनिमल्स यहाँ पे हैं, अवेलेबल हैं, मिलियंस एनिमल अवेलेबल हैं, और इनको क्या किया जाता है, उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनका क्लासिफिकेशन भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो इनको हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते थे, लेकिन बहुत सारे सिमिलरिटीज़ इनमें मैच नहीं करती थी, इसलिए इतने मिलियन 7 मिलियन एनिमल को आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल था। तो उसके लिए क्या आया, टैक्सोनमी आया। तो टैक्सोनमी क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टैक्सोनमी में क्या होता है कि देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर किसी भी चीज़ को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद जब आइडेंटिफाई, यानी कि इसमें हम लोग किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कैसा है, किस तरीके से है, क्या ये एनिमल है, ये या ये प्लांट है कि नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहला आपका आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन आता है, देन उसके बाद जैसे हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर